हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को संभोग करते हुए दिखाया जाता है। दोनों अपनी वासना की भूख को शांत कर रहे हैं। इस फिल्म में दो मुख्य किरदार हैं, लेज और रे। लेज एक किसान है, अपने घर के आगे वो खेती करता है, पर इसके साथ साथ वो बड़ा धार्मिक भी है। वो पूजा पाठ में बिलीव करता है। पास में वो गिटारिस्ट था। जब वो गिटार बजाता था तो मोस्टली ब्लूज़ म्यूजिक पर बजाता था। कई पब में जाकर, बार में जाकर उसके म्यूज़िक के लोग फैन हो जाते थे। इन पब्स और बार में अक्सर वो म्यूज़िक बजाता रहता था। पर उसकी एक प्रॉब्लम है उसकी वाइफ। उसकी वाइफ रोज़ किसी और से प्यार करती है, और वो कोई और कोई नहीं, लेस का ही छोटा भाई है। इस तरह लेस के छोटे भाई ने ही लेस की वाइफ से रिश्ते बना लिए हैं। इन सब से लेस बड़ा परेशान रहने लगा है। वो अपने दोस्त आरल से मिलता है और अपनी गम भरी दास्ता सुनाता है। आरल उसे सांत्वना देता है। वो कहता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस कहानी की सेकंड मेन कैरेक्टर है रे। रे की प्रॉब्लम है उसकी वासना की आग, जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो हर वक्त वासना में डूबी रहती है। इस समय रोनी अपने नेशनल गार्ड की ड्यूटी के लिए बाहर जा रहा है। वो काफ़ी डिप्रेशन में है। रे उसे संभालते हुए कहती है कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद रोनी जाने लगता है। जाते हुए वो रे से कहता है कि वो अक्सर रात को उसे याद किया करेगा। दोनों की घड़ियां जब एक साथ बीप करेंगी तब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचा करेंगे। इस तरह दोनों यहाँ एक दूसरे को हग करते हैं और किस करते हैं। रोनी जब जाने लगता है तो रे उसका पीछा करती है। जब उसकी गाड़ी चली गई है तब रे यहाँ खुले मैदान में बैठती है। इस समय उसके अंदर संभोग की डिज़ायर उत्पन्न होती है। वो काफ़ी ज़्यादा काम उत्तेजित होती जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रे किसी दूसरे पार्टनर के साथ संभोग कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे अक्सर इसे फ़ोन कर बुलाती है और अपनी वासना की भूख शांत करती है। रात को हमें रे को एक पार्टी में जाते हुए दिखाया जाता है। वो यहाँ ड्रग लेती है। यहाँ वो गिल को नोटिस करती है। गिल और कोई नहीं बल्कि रोनी का ही दोस्त है। रोनी के एब्सेंस में गिल रे पर नज़र रख रहा है कि रे किसी और के साथ संभोग ना करे। यहाँ रे जाकर गिल से कहती है कि उसे मालूम है कि गिल उस पर नज़र रख रहा है। बाद में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से रे काफ़ी हाई हो जाती है। यहाँ उसका दूसरा साथी उसके साथ ज़बरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाता है। गिल इन सब को नोटिस करता है और उसे कार में रख कर यहाँ से दूर ले जाता है। रास्ते में वो रे से कहता है कि वो उसके दोस्त को चीट नहीं कर सकती। यहाँ पर रे कहते हैं कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा से ऐसी ही रही है और रोनी को तो पहले से भी पता था, तो भला रोनी उसके लिए इतना सीरियस क्यों हो गया। इस बात पर गिल उसे लात से धक्का मारता है और कार से नीचे गिरा देता है। उसे लगता है कि रे मर गई, इसलिए उसे सड़क पर ही छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। इधर लेस की कहानी भी पैरेलली चल रही है। वो अपनी बीवी के धोखा देने से बहुत परेशान है। वो कॉफ़ी शॉप में अपनी बीवी से मिलता है। उसकी बीवी कहती है कि अब वो उसे प्यार नहीं करती, अब वो यहाँ से जा रही है। लेज उसे रोकता है। उसकी बीवी कहती है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ा तो पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती कर देगी। मजबूरन लेज यहाँ कुछ कर नहीं पाता, रोज़ यहाँ से चली जाती है। अपना गुस्सा उतारने के लिए लेज अपने खेतों में ट्रक चलाता है। जब वो रोज़ का नाम पढ़ता है तो गुस्से में यहाँ सारे पौधों को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बार में जब लेज बैठा हुआ है तब उसका छोटा भाई उससे मिलने आता है। वो कहता है कि रोज़ के साथ वो इस शहर को छोड़कर जा रहा है, बस उससे परमिशन लेने आया है। लेज कहता है तुम बड़े अच्छे हो, पहले तुमने मेरी वाइफ के साथ संबंध बनाया, अब तुम उसके साथ भाग रहे हो और इसके लिए मुझे परमिशन लेने आए हो। यहाँ लेज गुस्से में अपनी बॉटल को तोड़ देता है और इससे अपने भाई को मारने जाता है, पर उसे याद आता है कि ये तो उसका भाई है, इसलिए उसे यहाँ छोड़ देता है। सुबह के समय जब लेज घर से बाहर निकला है तब उसकी नज़र सड़क पर जाती है। वो देखते हैं कि एक लड़की बदहवास हालत में कम कपड़ों में सड़क पर लेटी हुई है। वो उसके चेहरे को देखता है जो कि खून से लथपथ है। उसे उठाकर घर लाता है, उसकी मरहम पट्टी करना शुरू करता है। रे इस समय भी बेहोश है। बेहोशी में भी वो तहरोन का नाम लेती है। लेस को लगता है कि तहरोन ही वो शख्स है जिसने रे की हालत की है। वो दवाइयाँ लेने के लिए स्टोर जाता है, यहाँ फार्मासिस्ट से सारी कंडीशन बताता है। दवाइयाँ लेने के बाद वो तहरोन से मिलने जाता है। तहरोन वही शख्स है जिससे रे पास्ट में उसे बुला बुला कर हमबिस्तर होती रहती थी। वो तहरोन पर रे को मारने का आरोप लगाता है। तहरोन कहता है कि रे अक्सर उसे फ़ोन करती रहती है अपनी वासना की भूख शांत करने के लिए। यहाँ उसकी बातों से लेस को पता चल चुका है कि रे के अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो अपनी वासना से परेशान है। घर आकर लेस देखता है कि रे को फीवर है। वो कभी कभी उठ जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेज ने इसका भी सोल्यूशन निकाला है। वो देखता है कि घर में बहुत बड़ी जंजीर पड़ी है।
इस जंजीर से वो रे को बांध देता है। 2 दिनों के बाद रे को होश आया है। वो अपने जंजीरों को देखती है तो काफ़ी गुस्सा होती है। लेस से पूछती है कि ये बूढ़ा शख्स कौन है। लेस कहता है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर लाया है और उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता, उसे जंजीरों में बांध कर रखेगा। वो कहते हैं कि वो जान चुका है कि रे के अंदर कितनी वासना है और उसकी वासना को रोकने के लिए उसे जंजीरों में बांधेगा, वरना पता नहीं रे क्या कर देगी। रे यहाँ लेस को ठरकी कहकर बुलाती है। वो कहती है कि बूढ़ा आदमी उसे बांध कर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है। लेस इन सब से इनकार करता है। वो यहाँ कहता है कि ये उसकी स्पिरिचुअल ड्यूटी है कि वो रे को हील करने में मदद करे और इस तरह उसके वासना से उसे मुक्त कराए। रे कई बार भागने की कोशिश करती है पर वो कामयाब नहीं हो पाती। लेज उसे खींच कर अंदर ले आता है। रे को जब बाहर घूमना होता है तब लेज उसे जंजीरों से बांध कर ही खेतों में घुमाता है। अगले दिन जब लेज यहाँ पर नहीं है तब उसका असिस्टेंट टीनेजर लिंकन यहाँ आता है। उसे लगता है कि घर में कोई है। वो गेट से आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। रे भी रियलाइज करती है कि उसे कोई नोटिस कर रहा है, वो छुपती है। लिंकन जाते हुए वापस गेट की तरफ आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है रे उस पर झपट्टा मारती है। रे लिंकन को देखकर काम उत्तेजित होती है और उसे अपनी वासना का शिकार बनाती है। इतने में लेज यहाँ पहुँचा है। जब वो रे और लिंकन को हमबिस्तर होते हुए देखता है तब वो लिंकन को यहाँ से भगाता है। लिंकन को भगाते ही लेज का दोस्त आरल यहाँ आया है। वो लेज को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, उसकी बीवी अब उसे छोड़कर जा चुकी है उसके भाई के साथ, अब लेज को मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ लेज आरल से बता देता है कि वो क्या कर बैठा है। वो बताता है कि उसने एक लड़की को जंजीरों से बांधा है क्योंकि वो वासना की भूखी है। आरल दरवाज़ा खोलकर देखता है कि यहाँ पर जंजीरों में एक लड़की बंधी हुई है। वो लेज पर गुस्सा होता है। वो कहते हैं कि वो किसी ह्यूमन बींग को इस तरह बांध कर नहीं रख सकता। यहाँ लेज अपनी बात रखने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद लेज, लिंकन और आरल मिलकर रे को मनाते हैं और रे भी इनके साथ अब घुलने मिलने लगी है। वो इनके साथ अब डिनर भी करती है। इधर हमें रोनी को दिखाया जाता है जो कि अब नेशनल गार्ड की ड्यूटी से डिस्चार्ज हो चुका है। उसकी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब रोनी जबकि वापस आ गया है वो रे को ढूंढना शुरू करता है। उसे ढूंढता हुआ बार में गिल से मिलता है। गिल यहाँ रोनी को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी। रोनी को इस बात पर यकीन नहीं होता। अगली बार रोनी गिल के घर जाता है। यहाँ वो गिल पर अटैक करता है। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। गिल को मारने के बाद रे यहाँ से भागता है उसकी ट्रक लिए हुए। इधर लेज रे से कहता है कि वो उसे अब फ्री कर देगा, उसे कोई हक नहीं है किसी ह्यूमन बींग को इस तरह बांध कर रखने की। यहाँ रे कहती है कि वो लेज के साथ ही रहना चाहती है, उसके साथ अच्छा महसूस करती है। रे लेज से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए गाना सुनाए। लेज अपनी गिटार निकालता है और रे के लिए गाना गाता है। ये गाना है ब्लैक स्नेक मून। रे इस गाने को सुनते हुए काफ़ी भावुक होती है। वो लेज के करीब जाती है। अगले दिन रे और लेज एक ट्रिप पर जाते हैं। इस टाउन के स्टोर में रे स्टोर के अंदर जाती है। यहाँ वो अपनी माँ को देखती है। अपनी माँ को देखते हुए उसे गुस्सा बढ़ जाता है। वो अपनी माँ को कंफ्रंट करते हुए कहती है कि आपके पार्टनर ने जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ ज़बरदस्ती की और ये बार बार होता रहा। तब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता नहीं था कि ये सब क्या है और इन सब की वजह से मैं आज ऐसी हो गई हूँ। उसकी माँ रे पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि अगर उसके साथ ये सब हुआ तो उसने तब क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि उसे बहुत अफसोस है कि उसने उसकी जैसी बेटी को जन्म दिया, अगर उसे पता होता तो वो उसे पेट में ही मार देती। इन सब को सुनकर रे अपनी माँ पर गुस्सा होती है। वो अपनी माँ को यहाँ पर हिट करना शुरू करती है। यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इधर लेज ने यहाँ के लोकल फार्मासिस्ट से दोस्ती बढ़ा ली है, पर तभी वो स्टोर के अंदर से आवाज़ें सुनता है। वो दौड़ता हुआ स्टोर के अंदर आता है। वो देखता है कि रे अपनी माँ पर काफ़ी हावी है और रे को संभालता हुआ यहाँ से बाहर लाता है। घर लाकर उसे नहलाता है। रे का मूड ठीक करने के लिए लेज उसे एक लोकल बार में ले जाता है। यहाँ एक कॉन्सर्ट के दौरान लेज अपना म्यूजिक सबको सुनाता है। रे इसे इंजॉय करती है और यहाँ पर डांस भी करती है। लेज और रे जब घर पहुँचे हैं तब यहाँ रोनी पहुँच जाता है। दरअसल वो इन दोनों को स्पॉट करता हुआ यहाँ पहुँचा है। वो लेज पर अपनी पिस्तौल तानता है। लेज अपने आप को बचाते हुए रोनी को शांत करने की कोशिश करता है। यहाँ रोनी और रे में भी लड़ाई होती है। दोनों आपस में हाथापाई करते हैं। थोड़े समय के बाद यहाँ पे आरल भी आ गया है। आरल और रोनी मिलकर इन दोनों की बातें सुनते हैं। यहाँ रोनी कहता है, जब मैं मुसीबत में था तब रे ने मेरी हेल्प की, मैं तब एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा था, पर आज रे जब इस प्रॉब्लम से गुजर रही है तब मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। मुझे इस बात का अफसोस है और इस वजह से मैं ये शहर छोड़कर नॉक्सविले जा रहा हूँ। आरल उसे कहता है कि ये बहुत ही बेवकूफाना फैसला है।
उसे अपने फैसले के बारे में फिर से सोचना चाहिए। वो रे से पूछता है कि वो रोनी के बारे में क्या फील करती है। यहाँ रे कहती है, मेरे साथ बचपन में जो हुआ वो सब यादें मुझे अभी भी हॉन्ट करती हैं, मैं उन सब से बाहर निकलना चाहती हूँ पर मैं निकल नहीं पाती। यहाँ वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि वो अभी भी रोनी से प्यार करती है, वो रोनी के साथ को पसंद करती है। वो कहती है कि वो रोनी के बिना काफ़ी अधूरी है। अब जो कि दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बता दिया है, दोनों यहाँ शादी करने का फैसला करते हैं। लेज इस शादी के सारे अरेंजमेंट को देख रहा है, वो सभी को बुलाकर इस शादी को संपन्न कराता है। यहाँ पर लोकल फार्मासिस्ट भी आती है। शादी के बाद रोनी और रे कार में जा रहे हैं, जबकि लोकल फार्मासिस्ट और लेज अब एक साथ हैं। ड्राइव करते हुए अचानक से रोनी को अटैक आता है। ये पैनिक अटैक वही पुराना अटैक है जो पहले होता था। ये सब देखकर रे समझ गई है कि रोनी को किस तरह का अटैक आया है, पर इतने में ही उसे भी पुरानी मेमोरीज हॉन्ट करना शुरू करती हैं। वो भी अब इन मेमोरीज से परेशान हो गई है, पर वो रोनी को हग करते हुए कहती है कि दोनों इन सब से निपट लेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।